नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी न्यूज में भावना शर्मा आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं जिला चांदनी चौक में भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सारिका श्रीवास्तव जी से। तो मैम, आप बताइए कि ये जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। इस गीता के श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी और अधर्म आगे बढ़ेगा, तब तब किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एक अवतार लेकर आएगा जो इस धर्म का, इस तरह के पापियों का नाश करेगा। तो वही अंत जो समय है अब आने वाला है आप पार्टी का, और आपने देखा होगा जो इस शराब घोटाले में लिप्त आप सरकार और उनके मंत्री और जो सांसद थे, इन्होंने जो भ्रष्टाचार रूपी एक पेड़ लगाया था, उस पेड़ की जड़ें अब कमजोर हो गई हैं और उनके एक एक पत्ते किस तरीके से जेल में जा रहे हैं आपने देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सत्यमेव जयते की बात होने वाली है, और अब आप पार्टी का समय निश्चित रूप से अंत आने वाला है, और हो सकता है आगे जाके उनके जो आका है वो भी कुछ दिनों बाद सलाखों के पीछे दिखे। मैम, जैसे आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और ये षड्यंत्र सारा बीजेपी का है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, क्या जो इस तरह से ये बात कर रहे हैं, साफ साफ ये कानून व्यवस्था को ब्लेम कर रहे हैं, उनको अपनी न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। हर चीज का एक समय होता है। ऐसे तो क्या अगर मोदी जी करना होता तो क्या मोदी जी चुटकी में जेल भिजवा सकते हैं? नहीं, हर चीज एक कानून प्रक्रिया से गुजरती है। पेशेंस रखना होता है, धीरज रखना होता है, जैसा कि धीरज हमारी भाजपा पार्टी ने रखा। केस हुआ, इंतजार किया, सत्य सामने आए और काफी लंबे समय बाद अब वो सत्य सामने आ गया है। तो ये तो उनकी शुरू से ही रोने पीटने वाली आदत है कि मोदी जी ने अपने हित के लिए किया, चुनाव आ रहा है इसलिए किया। तो उनकी इस मानसिकता को हम कभी बदल ही नहीं सकते। 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इन ये जो बीच में एलिगेशन लगाए जाते हैं, इसको छोड़ के आप क्या तैयारी करेंगे? हमें तैयारी करने की क्या जरूरत है? सत्य सामने है। सभी आज पूरी जनता जानती है कि केजरीवाल ने जितने वादे किए थे बोल करके क्या आई थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा घोटाला करा उन्होंने, इतने वादे करे, किसी वादे पे खड़े नहीं उतरे, किसी मोर्चे पे सफल नहीं हुए। तो आपने देखा होगा मोदी जी की जो नीतियां हैं, चाहे वो किसी वर्ग क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विकास किया है उन्होंने, और ये सब जनता के सामने है। तो हमें तैयारी की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ और सिर्फ जनता का दिल जीतना है और उसी दिल पे ही हम राज करते हैं। ओके मैम, ये एक बिल जो पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल, तो उसके बारे में बताइए कि उसके आने के बाद क्या क्या जो चेंजेस हैं, परिवर्तन होंगे और क्या क्या महिलाओं को सहूलियत मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बिल के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, सभी मातृ समस्त मातृशक्ति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अब ये जो बिल था हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको मंजूरी मिली और इसी स्वीकृति के साथ ये बिल अब एक महत्वपूर्ण कानून बन गया है। और जो ये कानून है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार नेतृत्व में ही एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जिसके कारण इस बिल ने कानून का मूर्त रूप लिया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अब लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में जो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं, उसमें निश्चित ही मोदी जी ने एक हमें राष्ट्र निर्माण में भागीदार होने का एक अवसर दिया है और निश्चित ही महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा, मैं समझती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ सारिका श्रीवास्तव जी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक नीति होती है, कानून होता है जो आगे चल के जिसका समाधान निकाला जाता है, तो उसी के चलते ही संजय सिंह के बारे में इन्होंने जो कहा, तो आप मैं हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए न्याय केसरी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं भावना शर्मा।